नमस्कार जी, मेरा नाम कपिल कल्याण है और इस फिल्म में मैं जो किरदार निभा रहा हूँ उसका नाम है कोयला भाई। वो एक नेगेटिव किरदार है। जब बच्चे चुंगल से निकलकर भाग जाते हैं तो पूरी फिल्म में मैं उनके पीछे ही हूँ, क्योंकि ये बच्चे किसी भी तरह से मुझे पकड़ने हैं और वापस इनको अपने गैंग में शामिल करना है, तो वो काम मुझे दिया जाता है। तो ये बच्चे जिन्हें हम अपाहिज करके फिल्म में जो दिखाया गया है, भीख मांगने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है, और लड़कियों को जो फिल्म में किरदार है उसके हिसाब से इन्हें बेचा जाता है, दूसरे मुल्क में भेजा जाता है जहाँ पे बच्चों का फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन होती है, इस तरह का नेगेटिव किरदार है। तो ये सब कुछ फिल्म में दिखाया गया। छोटा सा बच्चा बैठा है, 3.5 साल का बच्चा है और ये काला था, ब्लैक मैन, शक्कर बहुत बोली है, लेकिन सब ने ये बच्चा आपको फिल्म के अंदर भी नजर आएगा कि बिल्कुल कपड़े से डरे हुए, क्योंकि इसका एक मोटिव सिर्फ एक मैसेज दे रहा है। 3.5 साल के बच्चे को भी पता है कि काला धन जो ब्लैक मनी है वो एक बेसिकली हिंदुस्तान की एक समस्या है, क्योंकि सरकारों ने वादे बात की है लेकिन तुमको बेट उसका हल नहीं होता है। तो ये पूरी फिल्म में आपको नजर आएगा जूनियर पीपल्स टाइप, और क्वेश्चन ये भी है कि कहीं पर भी किसी को भी मिलता है तो यही क्वेश्चन करता है कल काला धन कब आएगा, क्योंकि जब काला धन वापस आएगा तभी ये कपड़े डाल पाएगा। आप कपड़े डाल गया है लेकिन मूवी के हिसाब से बोल रहा हूँ तभी ये कपड़े डाल पाएगा, ऐसा कुछ करता है। हमारे साथ जानी मानी हस्ती थिएटर आर्टिस्ट एंड 12-15 फिल्मों में आपने इनको देखा ही होगा, पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं, नेगेटिव किरदार ज़्यादा निभाए हैं, पॉजिटिव भी निभाए हैं, पहली हिंदी फिल्म को लेकर आ रहे हैं अपनी, सुखविंदर विक्की जी, आइए इनसे करते हैं 2-4 बातें। सुखविंदर जी, कैसा लग रहा है पहली बार हिंदी फिल्म में देखने का आपको चांस मिल रहा है हमें, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है बींग एन एक्टर, क्योंकि जो हम पंजाबी जैसे कहते हैं तो वो एक रीजनल हो जाता है, और जब हिंदी की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हो, क्योंकि इंडिया में तो हमारा नॉर्थ में तो चलो फिल्में चलती ही हैं, उसके बाद बाहर भी इसकी ऑडियंस काफ़ी है, तो अच्छा एक्साइटेड हूँ, बढ़िया, तो अच्छा लग रहा है। होप सो, देखो उम्मीद पे कहते दुनिया कायम है, तो एक्टर तो होते ही उम्मीद पे है ना। अभी ये 10 स्लम स्टार्स फिल्म 7 जुलाई को रिलीज़ हो रही है 400 सिनेमाघरों में ऑल ओवर इंडिया। इसमें नेगेटिव किरदार में ही हूँ, एक पॉलिटिशियन का करेक्टर है, जो ये जो माफिया है जो स्लम स्टार्स का जैसे भीख मंगवाते हैं बच्चों से या लड़कियों को बेचना, उस माफिया का जो सरगना है जहाँ से जिस पे सरकार का हाथ भी कह सकते हो आप, तो वो एक पॉलिटिशियन का करेक्टर है जो इसमें मैं निभा रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, इसमें गाने हैं लेकिन गाने सारे कोई ऐसे वो नहीं, सिचुएशनल सॉन्ग्स हैं, मतलब जब स्लम स्टार्स स्लम्स के ऊपर हैं तो म्यूज़िक अच्छा है, लेकिन जो भी है वो अच्छा है, सूदिंग है, ऐसा नहीं लगता है कि स्पेशल डाला गया या कोई प्रमोशन सॉन्ग है या कुछ है, सब सिचुएशन के हिसाब से सॉन्ग्स जो हैं वो डाले गए हैं। हाँ नहीं देखो, वो मार्क वगैरह तो वो सब जो है वो कह सकते हैं कि जो बने हुए हैं बड़ी हस्तियां समझ लो है ना, वो हम करोड़ वाले जो मार्क है, तो अभी वहाँ तक देखो भगवान करे हो जाए तो बढ़िया है, तो लेकिन अभी ऐसा कुछ सोच लेके नहीं चल रहे हैं कि इतना करना, एक सोशल कॉज के लिए फिल्म की थी, उस पर कितना खरे उतरेंगे, मतलब हमें करोड़ से मतलब नहीं है, इसमें जो मेन प्रोड्यूसर्स का जो है मतलब उनका मकसद ये है कि करोड़ लग जरूर गए हैं, लेकिन अगर वो उसमें जैसे 2-2.5 करोड़ का इसका बजट है तो जो 2.5 करोड़ लोग अगर इसको पसंद कर दें तो ये उनके लिए बड़ी बात है। हाँ तो मेन आपका मुद्दा है कि ऑडियंस की समझ, ऑडियंस इसमें करोड़ों लोग जुड़े साथ में वो इस फिल्म को अप्रिशिएट करें, तो वही एक मेरे ख्याल से इसकी जो अचीवमेंट होगी। अभी मैंने एक फिल्म गई सुपर सिंह विद दलजीत दोसांझ, जिसमें मैंने उसमें भी पॉलिटिशियन है, नेगेटिव करेक्टर है, तो ये स्लम स्टार्स में नेगेटिव है, तो अभी हैं आप पाइपलाइन में 2-1 प्रोजेक्ट्स हैं पंजाबी के, और एक हिंदी का भी इससे पहले मैंने उड़ता पंजाब में भी किया था, वो कर रहे हैं अभिषेक चौबे जी एक और फिल्म, तो प्रोबेबली उसमें नज़र आ सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।